शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले खाद्य तेलों से। रूपा जी, तेल तिलहन में देख रहे हैं कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, सरसों तेल हो, सोयाबीन तेल हो, रिफाइंड हो, किसी भी तरीके का सबसे ज़्यादा तेजी खाद्य तेलों में देखने को मिली है। और CPO, जो तेल रिफाइंड के आधे भाव पर, जो तेल सरसों के आधे रेट पर बिकता था, अब वो सरसों को भी टक्कर दे रहा और सबसे महंगा तेल हो रखा है इस वक्त मार्केट के अंदर। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से क्राइसिस हो रहे हैं और भारत में भी इम्पोर्ट पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत का इम्पोर्ट भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते, तो ऐसे में क्या खाद्य तेलों की कीमतें आगे जाके और उछल सकती हैं? देखिए, खाद्य तेल की कीमतों में एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति है उसके चलते कीमतों के जी अंदर अपसाइड मोमेंटम है। और जो ये सूरजमुखी के तेल के अंदर कीमतों में उछाल आया है, उसका असर ही दूसरी कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिल रहा है, सभी खाद्य तेलों पर। और फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि अभी खाद्य तेल की कीमतों में कमी एक्सपेक्टेड नहीं है, बाजार तेजी की तरफ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि सरसों तो मंडियों में आनी शुरू हो गई है, तो अगर बिल्कुल ऐसा माना जाए कि 2 से 3 महीनों के अंदर सरसों की पेराई होने के बाद जो तेल निकलेगा और मार्केट में सप्लाई होगी, तो क्या उससे कुछ खाद्य तेलों के प्राइसेस कुछ नरम हो सकते हैं या फिर तब भी तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, अभी तो फिलहाल स्थिति पॉजिटिव है और मार्केट के अंदर लग रहा है कि खाद्य तेल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी में रह सकते हैं। जी,